लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत में 5G सर्विसेज लॉन्च ही हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 की शुरुआत करते हुए देश में 5G सर्विस लॉन्च की। इस लॉन्चिंग के साथ भारत भी उन देशों की लिस्ट में अब शामिल हो गया है जहां लेटेस्ट जनरेशन की टेलीकॉम सर्विसेज उपलब्ध है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत दिल्ली के प्रगति मैदान से हुई, तो ये कार्यक्रम 4 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी ने विभिन्न कंपनियों की स्टॉल पर उपकरणों के बारे में जानकारी ली। हालांकि शुरुआत में देश के सभी शहरों में 5G नेटवर्क उपलब्ध नहीं होगा। नहीं होगा ना? नो सर, क्योंकि इसमें इतनी दुनिया, जैसे रील देखते हैं ना आप लोग, फिर उसमें से बाहर ही नहीं निकलते हैं। और माँ को लगता है कि ये तो 5G पर पढ़ रही होगी। चलिए बेटे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे सभी बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करने का भी और उनको उत्साहित करने का, प्रेरित करने का, एक होलिस्टिक विकास की तरफ, ना केवल टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दें पर खेलकूद भी पूरा बैलेंस करके रखें। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर ऑल वेरी ईगली वेटिंग टू बी लेड एंड गाइडेड बाय द मोस्ट transformative and progressive leader this nation has seen. We are waiting for the address of the Honorable Prime Minister. Please join me, ladies and gentlemen, as I request Prime Minister sir for his inaugural address. इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण, देश के उद्योग जगत के प्रतिनिधि गण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ये समिट तो ग्लोबल है लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है।